गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करने वाले हैं। एकदम इजी मेथड है, जिन्होंने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया है ना वो तो इसे हलवा समझेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है बस, और कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट को यहाँ पे वेट से असाइन किया जाता है। सर ये वेट्स क्या है? वेट्स का मतलब यह है कि प्रॉफिट को अगर वेट से इंटू करोगे तो इसमें एक प्रोडक्ट नाम की चीज बनेगी। वो क्या है सर, अभी पता चल जाएगा। करना क्या है, जो भी रिसेंट ईयर होगा उसे हम लोग हाईएस्ट वेट देंगे। हाईएस्ट वेट क्या है अभी देखना। फॉर एग्जांपल जैसे 2000, ये जो रिसेंट ईयर है उसको हम लोग हाईएस्ट वेट से डिनोट करेंगे। इस तरीके से डिक्रीज करते जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वेट 10-15 करना, नहीं। एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है 4 साल हाईएस्ट 5 साल, इससे ज्यादा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वेट्स नहीं कैलकुलेट की जाती है। तो बस अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें क्या है, एक नया चीज आया है प्रोडक्ट, तो क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट इसमें निकालना है, जिसमें होगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। सर प्रोडक्ट क्या चीज है, तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ये है। ये प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू वेट्स, क्लियर है। और जो वेट्स होगा उसको टोटल वेट एड करेंगे, टोटल वेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। फाइनली गुडविल इक्वल्स टू व्हाट, डन, यही है वेटेड जो एवरेज प्रॉफिट था। यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर करेंगे हमारा गुडविल निकल आएगा। चलो अब न्यूमेरिकल से समझते हैं गाइस। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60:40, ठीक है। And for the last 4 years, they have been getting annual salary of rupees 50,000 and 40,000. ये भी सही है, उन लोगों का सैलरी मिल रहा है annual salary 50,000 और 40,000 का। The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salary. ये जो profit अब जो नीचे दिया गया है उसमें partner salary नहीं, कहीं पर भी नहीं घटाया गया है, ठीक है। 2017 का profit है 1,40,000, 2018 1,01,000, 2019 1,30,000. On 1/4/2019, Zinu admitted 1/4 share without any salary. ठीक है, उनको Zinu को admit किया गया 1/4 share के लिए और उसको कोई salary नहीं दिया गया। Goodwill is to be valued at 4-year purchase of weighted average profit. ठीक है, 4-year purchase दिया गया है and the last 3 year, 3 साल का profit जो दिया गया है वो जो बना है वो after partner salary बना करके हमको goodwill का value find out करना है। Weights कितना assigned है, 1, 2, 3, मतलब 1/4/2017, 2/4/18, 19 के लिए सबसे हाईएस्ट वेट होगा वो होगा 3। चलो आप बोर्ड में, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया था उसमें सैलरी चार्ज नहीं किया गया था, तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कंप्यूट कर लो। वो जो भी प्रॉफिट है वो पूरा पूरी कैलकुलेशन के साथ नहीं दिया गया था, तो उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट में लेकर क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी ये प्रॉफिट कितना था, इतना 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 17, इतना इतना इतना। अब क्या है, जो पार्टनर है रमन और दमन उनका सैलरी दिया गया था जो चार्ज नहीं किया गया था, बोला गया है, तो हम लोग अब सैलरी को प्रॉफिट से घटा देंगे। तो 50, 40, 90 घट गया 1,40,000 से 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट फॉर देयर 2017। इसी तरीके से 90,080 से भी घटा 11,000, 1,30,000 से 90,000 घटा 40,000, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोगों को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, सर हम लोगों को तो प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से पता चलेगा। देखो हुआ क्या, ये ईयर था, प्रॉफिट जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, ये प्रॉफिट हुआ, वेट्स जो ऑलरेडी गिवन थे 1, 2, 3। प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला क्या था, वेट को प्रॉफिट से इंटू कर दो, तो वेट इंटू प्रॉफिट 50,000 इंटू 1, 11,000 इंटू 2, 40,000 into 3। अब क्या है, फॉर्मूला में चले आओ। फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट टोटल कर लेते हैं कितना होगा, देखना पड़ेगा, 1,92,000, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो
तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 1,92,000 और टोटल वेट्स कितना है ये हो गया 6। तो तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 32,000। क्लियर है? देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट इज 1,28,000। क्या किया मैंने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ इनटू किया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ 32,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना था सर 4 से इनटू हुआ, टोटल आ गया कितना 1,28,000। दिस इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा सा टफ है, बट ये समझ गए तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आज ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे स्क्रीन में देखो। प्रॉफिट इन 2013 40,000, इन 2014 50,000 एंड इन 15 60,000। नंबर 1 ये दे दिया क्या है। नंबर 2 नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2014। ठीक है, नॉन रेकरिंग इनकम है मतलब ये घट जाएगा। प्रॉफिट फॉर 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज़ गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस है, मैंने बोला था ऐड होगा, ये ऐड हो जाएगा। नंबर 4 गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया गया था, उसको देना है। क्लियर है? कोई बात नहीं। रीजनेबल रेमुनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर बट इट हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अबव मेंशनड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट में है उसमें रेमुनरेशन मतलब सैलरी ऑफ द पार्टनर नहीं कैलकुलेट किया गया है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ऑफ 2015 के प्रॉफिट जो है 60,000, उसमें एक 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना होगा। गुडविल इज असाइन टू द वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 साल का परचेज का वैल्यू है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 इयर्स 13 का 1 है, 14 का 2 है और 15 का 3 है। चलो बोर्ड में चले जाओ जल्दी से। क्वेश्चन में हम लोगों का सबसे पहले काम है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, तो जो जो एडजस्टमेंट है उससे एड लेस करना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग दूसरे नाम में बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेशन देखो। कैलकुलेशन फॉर नॉर्मल और एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन था 3 ईयर का 13 14 15 का गिवन है। क्लियर है? नॉन रेकरिंग इनकम नंबर सेकंड में बोला गया था कि एक नॉन रेकरिंग इनकम है जो 2014 में इंक्लूडेड है। तो नॉन रेकरिंग का इनकम है मतलब ये क्या है, एबनॉर्मल ना नॉर्मल, ये एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट है या गेन है, तो उसको क्या करना है हम लोगों को घटा देना है। घटा दिया हम लोगों ने। नंबर थर्ड में क्या बोला गया था, नंबर थर्ड में बोला गया था कि गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, आप कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर हो तो उसे दैट पर्टिकुलर ईयर में एड कर देते हैं। तो क्या करना है, 2013 में हम लोगों ने इसे एड किया। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट जो है उसमें था एक इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग का मतलब है जो हमेशा कंटिन्यू बेसिस पे वो खर्च होते रहे। तो डेफिनेटली ये है कि ये चाहे 13 हो चाहे 14 हो चाहे 15 हो, हर ईयर इसे कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन में लाना ही होगा। तो 400 हम लोगों ने हर साल, क्योंकि ये खर्च है इसीलिए हम लोगों ने इसे माइनस कर दिया। क्लियर है? माइनस हुआ। देन रेम्यूनरेशन ऑफ और सैलरी कुछ भी बोलो, ये भी रेकरिंग है क्योंकि रेम्यूनरेशन भाई मेहनत तो का पैसा तो देना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो। क्लियर है? तो हर साल इस तरीके से उसे 6,000 रुपीज का पेमेंट किया गया रेम्यूनरेशन का। उसके बाद हमें लास्ट एडजस्टमेंट में बोला गया कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था। मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था बार बार, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर दे गया उसे हटा के फेंक देना, जिस पर्टिकुलर ईयर में रहे हटा दो। तो किस ईयर में है, 2015, माइनस कर दिया गया। क्लियर है? जो भी आया वो हमारा नॉर्मल या एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोगों को वेटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो ये हमारा टोटल फाइंड आउट हो गया प्रोडक्ट। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना होगा देखना पड़ेगा। तुम लोग कैलकुलेट करना, ये होगा 2,70,600।
तो कितना है, और ये वेट कितना है, 6 है, क्लियर है। तो 270,600 डिवाइड बाय 6 अगर करोगे तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देखना, 45,100। देन गुडविल इक्वल्स टू 45,100 वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना था, 2। तो कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम लोगों को, तो ये होगा 90,200। दिस इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लियर है। तो बस ये था, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आज के इस वीडियो में खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दो मेथड पढ़ेंगे, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर टुडे।